ये आया मैं दूसरे साइड, ये लगता है जो हमारे कुछ जवान शहीद हुए होंगे वो लोग के बूट बनाए गए हैं यहाँ पे। गुड इवनिंग, स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार व्लॉग में। और गुड इवनिंग फ्रॉम भोपाल। आज हैं हम भोपाल में और भोपाल के मैं शौर्य स्मारक पार्क में टहलने आया हूँ। कुछ काम से आया था तो सोचा एक व्लॉग बना दूं, आप लोग को दिखाता हूं। देखिए आप यहां के नज़ारे। यहां पे टीवी चल रही है, कुछ हमारे आर्मी भाई वालों के बारे में बताया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं यार, मज़ा आ रहा है। सामने बिल्डिंग यार, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, दिखाता हूँ। ये देखिए, और इतने अच्छे अच्छे पेड़ यहाँ पे बनाए हैं, देखिए हर जगह। यहाँ पे बहुत लोग फोटोग्राफी भी कर रहे हैं उस तरफ, पता नहीं इस कैमरे में समझ में आएगा कि नहीं। पॉसिबल हुआ तो आपको पास से दिखाऊंगा। ये जो ट्रीज़ है ना, बहुत अच्छे से इसको कटिंग किया गया है यार, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, एकदम शेप में है ये सारे ट्रीज़। आप सोच रहे होंगे कि मैं भोपाल क्यों आया था, तो कुछ पर्सनल काम था उस लिए आया था। सुबह की ट्रेन 5:30 बजे आया था और अभी 6 बजने वाले हैं। मेरा कुछ भी प्लान नहीं था कि मैं वीडियो शूट करूंगा, लेकिन अभी यहां से रात की ट्रेन है 10 बजे, तो मैं सोचा 10 बजे तक बैठ के क्या करेंगे, टाइम अभी हो रहा है 6, तो मैंने सोचा कि पार्क में घूम लेते हैं। तो पार्क में जब घूम रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इस समय का यूटिलाइज़ किया जाए और एक वीडियो बना के आपको दिखाया जाए। ट्रेन में मुझको बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखे यार, लेकिन मैंने शूट नहीं किया वीडियो क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। अब लेकिन यहाँ आया तो मैं सोचा बना लेता हूँ आप लोग के लिए, तो देखिए आप वीडियो देखिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैं आया हूँ सुबह से, तो सुबह मैं 5:30 बजे घर से निकला था, अभी हो रहे हैं 6:00, तो किसी दूसरे को मार रहा है सीटी, तो अभी मेरे चेहरे पे मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं लगाया हूँ, तो सारी धूल वूल मेरा चेहरा खाया है, तो थोड़ा काला काला लगूँगा, प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। बहुत गजब का पार्क है यार, बगल बगल में लाइट लगी है और छोटी छोटी लाइटें भी लगी हैं, जैसे देखिए ये वाली लाइट लगी है, एक लाइट ये लगी है, तो जब इसके बीच से चलते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए एक लाइट वो लगी है और एक लाइट ये लगी है, इसका फेस ऊपर को है। जब आप रात में आएंगे ना तो देखिए अभी मेरे फेस पे लाइट पड़ रही होगी, तो ऐसी लाइट पड़ेगी और रात में और अच्छा लगेगा। ये देखिए LED टाइप में जल रहा है ये आग, और ये इसको पानी के बीच में ऐसे घेरा गया है, ज़बरदस्त। ये लगता है जो हमारे कुछ जवान शहीद हुए होंगे वो लोग के बूट बनाए गए हैं यहाँ पे, मस्त लग रहा है यार इतने सारे। अच्छा हाँ एक बता दूँ बात आपको, 10 रुपये की टिकट लगी है, हम लोग 4 लोग हैं यहाँ पे, तो पर पर्सन 10 रुपीज़, मतलब 40 रुपये दे के हम लोग एंट्री किए हैं, और मुझको तो लग रहा था कि ज़्यादा लगेगा, 50 रुपये से कम नहीं लगेगा। जितना बड़ा ये पार्क है और जितने मज़े यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, 10 रुपये में ना बहुत कम है यार, बहुत कम है। ये लाइट बहुत ब्राइट है यार, आइज़ में लग रही है, देखिए कैसी ब्लिंक हो रही है, ऐसे ब्लिंक आपको वीडियो में दिख रही है, ऐसे ब्लिंक हो नहीं रही है ये, रात को ना बहुत अच्छा लगेगा। देखिए दूर से जब दिखता है तो अच्छा लगता है, वो देखिए अभी 7 बजने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको आया ये दिखाने के लिए, पता नहीं ये किस चीज़ का सिग्नेचर है, घूम के दिखाता हूँ आपको दूसरे साइड से। ये देखिए पेड़ ही आ गया, ये आया मैं दूसरे साइड। टाइम देखिए 6:52 हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फुटेजेस अभी भी साफ़ आ रही होंगी, क्योंकि अभी गर्मी का ही मौसम है तो सारी चीज़ें साफ दिखेंगी। ट्रेन है 10:08 पे हबीबगंज से, और देखिए मूर्ति उतनी दूर है जो मैं आपको दिखाया था, बहुत बड़ा है यार पार्क, बहुत ही बड़ा पार्क है,
लाइट देखिए ना कितनी गजब की चमक रही हैं। और इस घास में बैठते हैं ना तो गड़ती है यार ये घास। ये है एक और टॉप व्यू, यहाँ पे सारे क्रांतिकारी नेता लोग हैं हमारे। और ये है भूतिया खंडहर, दिखाता हूँ आपको। यहीं से आगे एंट्री लिए थे वो वहाँ से, तो वो हमको फाउंटेन मिला था। देखिए शाम का नज़ारा, थोड़ी बहुत लाइट्स आ गई तो थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। अभी और ज़्यादा भी लाइट्स आएंगी, ये छोटी छोटी वाली अच्छी लग रही हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। मिलो।